पूल पार्टी, म्यूजिकल परफॉर्मेंस, जश्न, मस्ती, समंदर के बीच इस शानदार क्रूज में कई तरह के इंतजाम थे। बीच समंदर पार्टी के लिए कई बड़े और नामचीन लोग पहुंचे थे। सब कुछ पूरे हिसाब से ही चल रहा था कि अचानक एनसीबी की कार्रवाई ने कई रईसजादों के रंग में भंग डाल दिया। कुछ लोग तो समझ नहीं सके कि जिस आलिशान जहाज से वो समंदर घूमने निकले हैं, उसी क्रूज के किसी कोने में नशे का धुआं उड़ाया जा रहा है। किसी ने क्रूज वाली इस पार्टी को नशे की पार्टी बनाने का प्लान तैयार कर रखा है। और सबसे चौंकाने वाले वो चेहरे रहे जो एनसीबी की कार्रवाई के बाद अब शिकंजे में आ गए। कार्डेलिया क्रूज शिप पर हुई ड्रग पार्टी में सबसे बड़ा नाम तो शाहरुख खान के बेटे आर्यन का ही है, लेकिन इस पार्टी में शामिल बाकी लोग भी कम रसूखदार नहीं हैं। किसी का सियासी परिवार से कनेक्शन है तो कोई कारोबारी परिवार से ताल्लुक रखता है। फैशन और ग्लैमर इंडस्ट्री के लोग भी नशे के धुएं में गिरफ्त पाए गए। ड्रग पार्टी केस में किस किस से पूछताछ हुई? आर्यन खान, शाहरुख खान का बेटा, अरबाज मर्चेंट, आर्यन का दोस्त, मुनमुन दमेचा, नुपुर सारिका, स्मित सिंह, मोहक जायसवाल, विक्रांत चोकर, गुमित चोपड़ा। अरबाज मर्चेंट खुद आर्यन खान के खास दोस्त हैं। माना जा रहा है कि उसी के बुलावे पर आर्यन खान पार्टी में पहुंचा था। मोहक, नुपुर और गुमित दिल्ली के रहने वाले हैं। मोहक और नुपुर फैशन डिजाइनिंग से जुड़े हैं, जबकि गुमित हेयर स्टाइलिस्ट है। ये भी पता चला है कि ये ड्रग पार्टी दिल्ली के लोगों के दिमाग की उपज थी। खचाखच भरे इस जहाज में कई अलग अलग ग्रुप थे। कोई समंदर घूमने निकला था तो कोई टीवी चैनल की पार्टी में शामिल हो रहा था, तो कोई डांस और म्यूजिक के साथ मस्ती के सफर पर था। लेकिन जहाज पर सवार करीब 1800 लोगों की इस भीड़ में दो ग्रुप खास थे। पहला ग्रुप जो मुंबई की धरती से दूर समंदर इस जहाज पर सिर्फ नशे के लिए जुटा था, इसमें कई सितारे, हाई प्रोफाइल लोग शामिल थे। और दूसरा ग्रुप जिसे नशीली पार्टी की पहले से ही भनक लग गई थी और ये लोग लगातार पहले ग्रुप पर निगाह रखे हुए थे। ये थी एनसीबी की टीम। क्रूज पर तैनात संगीत था और धुन के शोर के बीच नशीली दवाएं थी। पार्टी बस शुरू ही हुई थी कि जहाज पर खुफिया तरीके से मौजूद एनसीबी अफसरों ने रईसजादों के अरमानों पर पानी फेर दिया। एनसीबी ने पूरा जाल बिछाया था। अफसरों को अपने खुफिया सूत्रों से जानकारी मिली थी कि 2 अक्टूबर को रवाना होने वाले शिप में कई हाई प्रोफाइल लोग ड्रग पार्टी करने वाले हैं, इसलिए एनसीबी बेहद सावधानी से अपने ऑपरेशन में जुटी थी। लेकिन जब ड्रग पार्टी शुरू होने पर एनसीबी के अफसरों ने छापेमार कार्रवाई शुरू की तो कई चेहरों को देखकर वो भी चौंक गए। ये चेहरा था बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का। ये है उस क्रूज शिप का टूर प्लान जिसे एक विदेशी टीवी चैनल की ओर से तैयार किया गया था। इसमें अलग अलग डीजे और म्यूजिकल बैंड की तरफ से होने वाली परफॉर्मेंस और फन एक्टिविटी का पूरा खाका दिया गया है। लेकिन बहुत कम लोगों को पता था कि मौज मस्ती के सफर में नशे की महफिल भी जमने वाली है। एनसीबी के रडार पर गोपाल आनंद नाम का भी एक शख्स आ गया है। सूत्रों की जानकारी है कि ड्रग पार्टी में इसका रोल भी अहम था, लेकिन एनसीबी के छापे के बाद से इसका फोन बंद है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।